हे एवरीवन, तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी न्यू रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये हम बनाएंगे 1 कप सूजी से, और ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा लगता है ये खाने में। और ये बहुत ही झटपट में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। आप तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस टेस्टी नाश्ता को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम है सूजी मैं ले लूँगी, और ये बारीक वाला या मोटी वाला जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पे हम मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे सूजी को, और उसके बाद हम 1/2 कप से थोड़ा सा कम इसमें हम पानी डाल देंगे। आपको ज़्यादा पानी यहाँ पर ऐड नहीं करना है। और उसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पर दही। अगर आपके पास दही नहीं हो तो यहाँ पर नींबू का इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ हम डाल देंगे यहाँ पे चीनी। तो चीनी से हम बहुत ही चिकना और स्मूथ नाश्ता बनके रेडी होता है फ्रेंड्स। और ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। तो कुकिंग ऑयल जो आप यूज करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है, बहुत ही फाइन सा ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पर रख देंगे और एक हम बाउल ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे जो सूजी को मैं ग्राइंड की थी। और उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे मैं कच्चा जीरा ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे हम डाल देंगे जो मीठा सोडा होता है ना, वो हम यहाँ पर डाल देंगे फ्रेंड्स। और ज़्यादा कुछ यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, बहुत ही कम चीज़ों में मैं बनाकर रेडी करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको मसाला जो पसंद है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और नहीं तो हरी सब्जी आपको पसंद है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करके ऐड कर सकते हैं बारीक काट करके। तो मैं बहुत ही सिंपल में बताई हूँ फ्रेंड्स। और ये सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो सोडा डालिएगा ना, तो 2-3 मिनट के लिए आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा ताकि सोडा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो हमारा नाश्ता फूला फूला सा बनता है वैसे मिक्स करने से। तो मैं इसमें डाल करके आप देख सकते हैं मैं 3 से 4 मिनट के लिए मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। लगातार आपको मिक्स करना है और बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें चाहिए। और आपको एक्स्ट्रा पानी इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप पानी ऐड कम कीजिएगा इसमें। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया है नाश्ता बनने के लिए। तो इसको हम साइड पर रख देंगे और यहाँ पर हम 3 कटोरी ले लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल करके अच्छे से चारों तरफ हम लगा लेंगे ताकि जब हम नाश्ता बनाएं तो इजीली से इसमें से निकल जाए। तो 3 कटोरी को हम अच्छे से इसमें तेल लगा करके अच्छे से हम लगा दिए हैं। उसके बाद इसमें हम जो सूजी में ग्राइंड की थी उसके बाद इसमें हम डाल देंगे। तो 3 को हम बराबर से ही डालेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैं डाल दी हूँ। और हल्का यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर जो होता है ना वो हम हल्का इस पर छीट देंगे, इससे लुकिंग जो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से हम हल्का ही डालेंगे। और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक प्लेट में ले करके हम गैस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप के करीब यहाँ पे मैं पानी ऐड की हूँ पैन में, तो इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हम 3 कटोरी को डाल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम कवर कर देंगे ताकि जो स्टीम है ना वो बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पर मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैं ढककर छोड़ दी थी, और उसके बाद यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि ये पका है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं टूथपिक से यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि ये पका है नहीं। तो आप देख सकते हैं एकदम क्लीन आ रहा है। तो 3 को हम इस तरीके से चेक कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से पक चुका है नाश्ता, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो इस तरीके से हम चेक करके यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी, उसके बाद हम अच्छे से 3 कटोरी को हम निकाल देंगे एक प्लेट में। तो आप यहाँ पर अच्छे से हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया है।
तो इस तरीके से किनारे से हम निकाल लेंगे अच्छे से इसको, और आपको गर्म में नहीं निकालना है, नहीं तो नाश्ता हो क्या होगा ना, टूट जाएगा। तो इस स्पैचुला के मदद से हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ईजिली ये निकल गया है और कितना जालीदार सा नाश्ता बन के रेडी हुआ, एकदम फूला फूला सा स्पॉन्जी टाइप का बना है। और आप देख सकते हैं कितना आसान है और कितना झटपट में ये बन के रेडी हो जाता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो उसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल लेंगे और उसके बाद हम तीनों को हम निकाल करके रेडी कर लेंगे। तो आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा सेक लूँगी इसको। तो उसी पैन को हम फिर से ले लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा करके और तीनों नाश्ते को हम इसमें डाल देंगे और 2 मिनट लगेंगे ये सेकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे ऊपर से और इसको हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और इसमें प्यारा सा कलर आ जाएगा। फ्रेंड्स आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये सिक जाता है 2 मिनट के अंदर में। और आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी सा बना है, एकदम फूला फूला सा बना है। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और ये तीनों को हम अच्छे से अलट पलट लेंगे और दोनों साइड हम सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सिक चुका है और उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, तो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक एक करके हम निकाल लिए हैं और उसके बाद हम सर्व किए हैं यहाँ सॉस के साथ। तो आप चाहें तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, ये बिल्कुल कच्चा नहीं है और अंदर से एकदम पक चुकी है नाश्ता, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।